आज जो बातें आपके समक्ष रख रहा हूं, उसमें गुनहगार कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। सबसे बड़े गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं। कि येन केन प्रकारेन प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो, फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया पता है आपको? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर के एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हों और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी हैं, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। सरकार का काम सिर्फ झुनझुना बजाना नहीं होता है, सरकार का काम सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है। आज इस शहर का नाम बदल दिया, कल उस शहर का नाम बदल दिया, कल चांद पे कोई नाम रख दिया। सरकार का काम, काम की जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश। आप ये जो कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्योंकि उनको पता है इस उभार को वो संभाल नहीं पाएंगे। अभी 28 अगस्त की भी पूरी टिप्पणी आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बिहार बीजेपी, आपकी कौन सी मजबूरी है? आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में थे, आप अपने प्रधानमंत्री जी को अपने नेता को संकेत नहीं दे सकते कि पिछड़ों की आबादी पर हकमारी जो करने की कोशिश हो रही है? अब तो मैं बैकडोर भी नहीं कहूंगा, फ्रंट डोर से आप डकैती डाल रहे हैं, फ्रंट डोर से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली को बदलिए, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा। आम आवाम बहुत परेशान है, मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं। हर जाति का अवलोकन होगा, हर जाति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जानी जाएंगी, और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृहमंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अंबेडकर का देश है, ये अधिकार लेना जानता है, और आपको ये चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उभार को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े कर लीजिए, ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, किसी ऐरे गहरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूं, बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है।